बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स, और इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ ऑपरेशंस देखे थे, ठीक है, यानी कि उस पर एडिशन परफॉर्म करके हमने देखी, उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन देखी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, और मल्टीप्लिकेशन जो है रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की देखी, ठीक है। तो ये चीज़ें यानी कि कुछ ऑपरेशंस हमने देखे थे। उसके अलावा एक ऑपरेशन उसमें से रह गया था, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं इस लेक्चर में कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? सपोज चलें एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हम कह लेते हैं ए प्लस बी आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो अभी तक तो इसकी पहचान हो चुकी होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है, इसको क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें आयोटा आ रहा है, ठीक है। इस आयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, अब हमने पढ़ना क्या है इस लेक्चर में कि कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड किया जाता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन हो उसका कॉन्जुगेट हम किस तरह से फाइंड करते हैं। देखें, रियल नंबर इसमें एक रियल पार्ट आपको नजर आ रहा है, एक इमेजिनरी पार्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो जिसमें से मैं इसको कहता हूँ जी ये क्या है, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट, और बी आयोटा जो है वो क्या है, वो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है कि रियल पार्ट को एज इट इज हमने लिख देना है, ठीक है। जिस तरह से ए जो है वो ए ही आ जाएगा, इस तरह से ही आ जाएगा ए। उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन आपने ऑपोजिट कर देना है, मतलब अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देना है, और नेगेटिव है तो उसको आपने पॉजिटिव कर देना है। और इस केस में आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है, ये पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको नेगेटिव कर देंगे, यानी कि ये बन जाएगा ए माइनस बी आयोटा। बाकी चीजें वैल्यूज सेम रहेंगी, ठीक है, और सिर्फ आपने साइन चेंज करना है, वो भी सिर्फ किसका, इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट का आपने एज इट इज रहने देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से कॉन्जुगेट फाइंड किया जाता है। तो सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक यानी कि एक स्पेसिफिक एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं कि हमारे पास है वन प्लस टू आयोटा, ये हमारे पास एक यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट चलें उससे पहले मैं कहता हूँ कि इसको हम सपोज कर लेते हैं ये जेड के इक्वल है, जी के इक्वल है, ठीक है। तो इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम इसको सबसे पहले तो कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिखेंगे, और कॉन्जुगेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, सपोज ये जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, ठीक है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर वन प्लस टू आयोटा जो है उसके ऊपर अगर बार लगा दिया जाए तो इसका क्या मतलब होगा, कॉन्जुगेट हम फाइंड करना चाह रहे हैं किसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ठीक है। इस केस में वन प्लस टू आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका हम कॉन्जुगेट फाइंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, यानी कि हम कहेंगे जी बार जो है, यानी कि जी किसके इक्वल था, वन प्लस टू आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर के, इसका कॉन्जुगेट जो है वो किसके इक्वल आएगा, वन माइनस टू आयोटा के। वन माइनस टू आयोटा का किस तरह से इक्वल आया कि इसमें रियल पार्ट जो था वो वन था, वो मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट आपको नजर आ रहा है, यानी कि आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होती है, ठीक है, आयोटा वाली टर्म जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और उसकी उसका साइन आपने चेंज कर देना है। इस केस में पॉजिटिव था उसको हमने नेगेटिव कर दिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज चलें इसको हम जी वन कह देते हैं, ठीक है, ताकि हम दूसरी एग्जांपल में उसको जी टू कह देंगे। जी टू एक और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसको हम ले लेते हैं जी के थ्री माइनस फोर आयोटा, ये हमारे पास एक यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो थ्री है, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये क्या है, फोर आयोटा है। अब हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो कॉन्जुगेट्स को पहले रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि उसके ऊपर बार लगा देंगे, इस तरह से थ्री माइनस फोर आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट की बार लग गई, ठीक है, यानी कि अब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे जी टू का कॉन्जुगेट, या जी टू के ऊपर बार जो है उसको हम यूं ही पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ जी टू वो किसके इक्वल आएगा, थ्री प्लस फोर आयोटा, फोर
थ्री प्लस फोर आयोटा, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो गया? ठीक है, ये है कॉन्जुगेट। मतलब कि अगर यानी कि इमेजिनरी पार्ट अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दिया जाए, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दिया जाए। यानी कि साइन सिर्फ आपने जो है चेंज कर देना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है। तो ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर्स फिर क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर्स, देखें, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक रियल नंबर है, सपोज फाइव, फाइव एक रियल नंबर है, ठीक है, इसको मैं कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिखूंगा मैं? कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? इसमें आपको आयोटा नजर आ रहा है? नहीं, ये तो सिर्फ रियल वैल्यू है। तो इसकी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि एक रियल वैल्यू होती है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ पे हमें रियल पार्ट तो नज़र आ रहा है लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं नज़र आ रहा, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि प्लस जीरो आयोटा, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है? जीरो है, ठीक है, यानी कि नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि इस तरह से मैंने एक रियल वैल्यू को मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया, इसको जी थ्री कह देते हैं, ठीक है। जी थ्री किसके इक्वल हो गया? फाइव प्लस जीरो आयोटा। ये एक रियल, वैसे रियल नंबर है लेकिन इसको हमने कॉम्प्लेक्स की नंबर की फॉर्म में हमने लिखा है, ठीक है। अब हम इसका जो है कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है कि सिर्फ आपने इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना है, तो इस तरह से लिखेंगे जी के जी थ्री की के ऊपर बार, और इसके ऊपर भी बार लगा देते हैं, जीरो आयोटा के ऊपर ये बार आ गया कॉन्जुगेट के लिए, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट फिर क्या बन जाएगा? जी बार, जी थ्री का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू फाइव माइनस जीरो आयोटा, और फाइव माइनस जीरो आयोटा मतलब के फाइव में से, चलें जीरो आयोटा को जीरो ही कहेंगे ना फिर, क्योंकि जीरो आयोटा किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो उसको जीरो कर देता है, तो हम यहाँ से कहेंगे फाइव माइनस जीरो, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू थी क्या? फाइव। अब हमारे पास रिजल्ट में क्या आया? 5 माइनस जीरो, फाइव में से कोई भी यानी कि जीरो माइनस करें तो हमारे पास 5 ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास शुरू में जो रियल वैल्यू थी वो क्या थी? 5, ठीक है, रियल वैल्यू क्या थी? 5। उसके बाद हमने उसको यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा, उसका कॉन्जुगेट लिया, और हमारे पास रिजल्ट दोबारा से क्या आ गया? 5। तो इससे कहने का मतलब ये है कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही रियल नंबर होता है, या फिर हम इसको एक और लफ्जों में कह सकते हैं, ए रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट, ठीक है, ए रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट के रियल नंबर अपना कॉन्जुगेट खुद होता है। मतलब कि अगर किसी भी रियल नंबर का आप कॉन्जुगेट फाइंड करें तो वही रियल नंबर आपके पास रिजल्ट में आएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर आप बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है, उसका साइन चेंज हो जाएगा तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम रियल नंबर्स में कॉन्जुगेट में कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो था कॉन्जुगेट। अब हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा यानी कि इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़ना था वो ये था कि हमने ऑर्डर्ड पेयर्स को देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है? यानी कि एक पेयर की फॉर्म में आपने ब्रैकेट्स में कोई भी वैल्यूज लिख दी, वो ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल फॉर्म हमने देखी थी, वो मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ। जनरल फॉर्म थी ए प्लस बी आयोटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, लेकिन अब हमने इसको हम चाह रहे हैं कि हम इसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी चेंज करें, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें, तो वो हम किस तरह से लिखेंगे? देखें, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो रियल पार्ट है उसका वो लिखें, उसके बाद कॉमा,
और फिर जो इमेजिनरी पार्ट है उसका, यानी कि इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर आपको बी नज़र आ रहा है आयोटा की वजह से, उसको इमेजिनरी कहा जा रहा है ना, तो पार्ट तो सिर्फ बी है, तो इसके साथ यूं बी लिखें और इसको एक ब्रैकेट में लिख दें, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर ये बन गया, एक पेयर की फॉर्म में आपने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर बी के साथ ये आपने याद रखना कि यहाँ पर आपने आयोटा नहीं लगाया, ठीक है, उसकी जगह आपने क्या लगा दिया, ये ब्रैकेट्स आपने लगा दिए, ठीक है। तो ये इसको कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर्ड पेयर्स और ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि इसमें आपको सिर्फ, इसको ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ रियल वैल्यूज नजर आ रही हैं, यानी कि ए भी एक रियल वैल्यू है, चले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए और बी जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, तो ए और बी रियल वैल्यूज़ हैं और साथ में आयोटा मौजूद था, इस वजह से ये यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स की फॉर्म में लिखा है, तो इस तरह से लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रियल वैल्यूज़ आ रही हैं एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, जो कि पेयर में हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ से यानी कि ये एक और रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अच्छा, तो अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमने पहले पढ़ी थी वही प्रॉपर्टीज़ ऑर्डर्ड पेयर्स में भी लिख लेते हैं, मतलब कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी यानी ऑपरेशंस देखे थे, ठीक है, कि ए प्लस बी आयोटा जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर सी प्लस डी आयोटा के इक्वल है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू सी है और इसके साथ साथ डी इज़ या बी इज़ इक्वल टू क्या है, डी है, ठीक है। इसी को मैं ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो मैं क्या कहूँगा कि हमारे पास एक ऑर्डर पेयर में कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि ए कॉमा बी, ठीक है, अगर वो इक्वल है सी कॉमा डी के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि ए जो है वो इक्वल है सी के, ठीक है, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू जो है यहाँ से आप देख सकते हैं ए जो है वो सी के इक्वल हो जाएगा और साथ में ही बी जो है वो डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, इस ऑपरेशन को। उसके अलावा एडिशन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी आप ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि आप एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर होना आपको यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सपोज हमारे पास यही दो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ए कॉमा बी, ये सेकंड वन हम ऑपरेशन देख रहे हैं, ए कॉमा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको हमने ऐड करना है सी कॉमा डी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, तो इनकी एडिशन कैसे होगी कि यानी कि रियल पार्ट आपको यहाँ पर किस तरह से नज़र आ रहे हैं, ए प्लस बी आयोटा इसी तरह से आप रिप्रेजेंट करते थे ना, जिसमें आपने लिखा हुआ है ए कॉमा बी, इसमें रियल पार्ट पहला रियल पार्ट होता है, ठीक है, ऑर्डर पेयर में। यहाँ पर चले मैं ऊपर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ जहाँ पर हमने देखा था इसको। हाँ जी, यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू आपको नज़र आ रही है वो रियल पार्ट है, रियल पार्ट, ठीक है, और सेकंड वैल्यू आपको जो नज़र आ रही है वो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। हैं तो दोनों रियल वैल्यूज, लेकिन पार्ट का जब पार्ट की बात की जाएगी तो ये रियल पार्ट का हिस्सा है, ठीक है, और ये इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा है, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दोबारा से हम अपने ऑपरेशन के ऊपर आते हैं। ऑपरेशन हम देख रहे थे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, जिस तरह से हम पहले परफॉर्म करते हैं बिल्कुल सेम वही है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में, तो इसलिए थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस आएगा कि ए प्लस बी, बल्कि ए प्लस सी दो रियल पार्ट्स हैं, रियल पार्ट्स, चले मैं ऐसा करता हूँ कि डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, ये ए है और ये सी है, ये रियल वैल्यूज जो है, रियल पार्ट्स आपको जो है वो ब्लैक कलर से नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ए प्लस सी अब हम करेंगे, ए प्लस सी, ये रियल पार्ट्स को ऐड करना है आपने, बल्कि यहां पर ब्रैकेट क्लोज नहीं होगी, ए प्लस सी कॉमा, अब इसके साथ आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट का सम, यानी कि बी प्लस डी, क्योंकि इसमें आपको इमेजिनरी पार्ट क्या नजर आ रहा है, बी, और इसमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको इमेजिनरी पार्ट नजर आएगा डी, तो इन दोनों का सम बी प्लस डी, ठीक है। तो इस तरह से आप यानी कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लिख सकते हैं, ठीक है, ये सम हमने देख लिया। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर,
ठीक है, तो उसको भी हम उसकी रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं इन ऑर्डर्ड फॉर्म, ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो सपोज हमारे पास के जो है वो एक रियल नंबर है, ठीक है, और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर से, और कॉम्प्लेक्स नंबर इस केस में हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म की, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ए कॉमा बी, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं के ए कॉमा के बी, ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें यहाँ पर के जो है वो क्या है, स्केलर है, ये इसको मैं लिख भी देता हूँ कि के क्या है, स्केलर है, यानी कि कोई भी रियल वैल्यू है, और ए प्लस बी जो है वो क्या है, ए प्लस बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, या ए कॉमा बी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और हमारे पास रिजल्ट में भी ये के ए और के बी आया है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। बस सिर्फ जो है रिप्रेजेंटेशन या उसको प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर, बाकी ऑपरेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने क्या देखा था कि सब्ट्रैक्शन भी देखी थी, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह से है जिस तरह से एडिशन है, लेकिन इसमें सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा, लेकिन चलें हम इसको लिख भी देते हैं ए कॉमा बी इन माइनस सी कॉमा डी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, ए माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। लास्ट वन ये है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने देखा था, ठीक है, तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो चलें ए कॉमा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सी कॉमा डी, इन दोनों को हमने, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट हम फाइंड करना चाह रहे हैं, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इस वक्त जो हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब ये किस तरह से आएगा कि ए सी माइनस बी डी, जो हमने देखा भी था कि चलें उससे पहले मैं लिख भी दूं कि ए डी प्लस बी सी, ये हमारे पास आता है, ठीक है। अगर दूसरी तरह से बात करें कि हमने जैसे पहले पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ए प्लस बी आयोटा, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था सी प्लस डी आयोटा के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आया था, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा, ठीक है, ये रिजल्ट आया था हमारे पास। अब हमने सिर्फ क्या किया कि रियल वैल्यू जो है, रियल पार्ट है, उसको उठा के यहाँ पर रख दिया, ठीक है, रियल पार्ट को उठा के यहाँ पर रख दिया, और उसके बाद कॉमा लगाया, ठीक है, और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को उठा के यहाँ पर रख दिया, ठीक है, कॉमा के बाद, और साथ में आयोटा नहीं लिखा, और ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये रियल फॉर्म में आ जाता है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल वैल्यूज की फॉर्म में हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। अच्छा, अब ये चीज़ें तो हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है, तो मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में हमने देखा, उसके अलावा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको भी हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में देखा, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म, यानी कि एक हम इसे सिर्फ कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रेजेंटेशन का, यानी कि फॉर्म है, प्रेजेंटेशन है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की। उसके अलावा हमने कॉन्जुगेट को देखा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ रियल, दोनों में डिफरेंस क्या है कि रियल में कॉन्जुगेट जो है वही सेम आ जाता है, यानी कि जो रियल वैल्यू है, जिस रियल वैल्यू का हम कॉन्जुगेट फाइंड करने जा रहे हैं, वही रियल वैल्यू हमारे पास रिजल्ट में आ जाती है। जबकि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें हम इमेजिनरी पार्ट को के साइन को चेंज कर देते हैं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो
पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये कॉन्जुगेट होता है। उसके अलावा डबल कॉन्जुगेट भी आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का। सपोज हम यहाँ पर फाइंड करके देख लेते हैं, मतलब कि एक वैल्यू है या कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास एक सिंपल सा मैंने लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आप डबल कॉन्जुगेट फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा अभी हम चेक कर लेते हैं। पहले हम सिंगल कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा के इक्वल आएगा, और उसका दोबारा से कॉन्जुगेट अगर फाइंड करें, यानी कि जो कॉन्जुगेट फाइंड किया है उसका हम दोबारा से कॉन्जुगेट फाइंड करें, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, यानी कि वही यानी कि इमेजिनरी पार्ट का मैंने साइन चेंज कर दिया है, तो हमारे पास ये आया, यानी कि डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा आया। अगर आप देखें तो 1 प्लस आयोटा जो है ऑलरेडी किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू जी, यानी कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वही उसका डबल कॉन्जुगेट होता है। या फिर आप इसे कह सकते हैं कि डबल कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो चलें ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर हो गई है। तो अब यहाँ पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है फंडामेंटल ऑपरेशंस की हम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।